फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं अपना दूसरा व्लॉग। मतलब आप लोगों ने मेरा व्लॉग संडे वाला देख लिया था, लेकिन संडे शाम से ये मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर। देखिए, 5 बजने में 5 राउंड बाकी है, वो देखिए। तो 5 बजने में 5 राउंड बाकी हैं, तो अभी मैं अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल भी यही वाला, मतलब आज ही के दिन का आधा व्लॉग जो है आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, बर्तन मैंने धुल दिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। बर्तन धुल चुके हैं और मेरे कपड़े जो हो गए हैं पूरे गीले, साड़ी जो पहनी थी बर्तन धुले तो गीले हो गए हैं, साड़ी पहनी थी तो। ये देखो ये मैं धुल के लेके आई हूँ और ये इसमें अभी रखना है। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े उतारने, क्योंकि छत पे जो है कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और ले चलती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ छत पे। तो ये देखिए, एक तरफ से जो है कपड़े 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 कपड़े, ये देखो सारे कपड़े हैं। तो अभी मैं इनको उतार लेती हूँ। अभी छत पे आई हूँ तो कर लेते हैं सिर पे पल्लू और ले चलते हैं सूखे सूखे उतार लेंगे। उतार ले फिर आप लोगों से बातें करते। तो अभी मैं छत पर आई थी कपड़े उतारने, तो इधर देखा तो बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो वही मैंने ऊपर से, मतलब छत पर से रिकॉर्ड कर लिया। और ये बगल की लड़की है, आई थी खेलने, तो ये बच्चे भी मेरे उनके साथ मतलब खेलने लगे। और ये देखो, ये ना उन बच्चों को मार रही थी, बच्चे खेल रहे थे तो मैं उसका रिकॉर्ड करने लगी। और अभी मैं कपड़े उतार लेती हूँ। अभी मैं, ये देख लीजिए, कपड़े उतार के नीचे ले आई हूँ, इतने हैं इतने, ये देखिए। जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो भी फोल्ड कर लेंगे शाम को। और इतने देख लीजिए, इतने कपड़े हो गए। ठंडियों में कितने कपड़े होते हैं आप लोग को पता है, बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। और जो जहाँ जैसे उतार के जाता है वैसे फैला देता है, हमें लोग को करना पड़ता है, कोई नहीं करेगा। ये देखो फैले पड़े, जैसे कोई उतार के गया वैसे ही पड़े। शगुन बैग भी वैसे ही रखा, सब कुछ वैसे ही रखा है, कुछ सही से नहीं रखते हैं। तो अभी जाते हैं, कुछ काम करते हैं। तो अभी कोई का शगुन हो, देखते हैं खाना क्या बनाते हैं। हम ही शगुन हैं, भैया और इनके पापा जा रहे हैं शादी में, शादी है कहीं, तो हम दो ही लोग हैं तो कुछ भी बना लेंगे। अपने लिए कुछ भी नहीं बनाते हम लोग, बस वही खिचड़ी या कुछ भी बना लेंगे, खिचड़ी बना लेंगे, सबसे सरल और आसान। तो अभी मैं चलती हूँ, देखते हैं बच्चों को, बच्चे मतलब बाहर खेल रहे तो उनको बुला के लाए, फिर कुछ करते हैं खाने का। बर्तन तो धुल ही दिया, कपड़े भी आ गए। देखिए फोल्ड करने के लिए पहले के ये रखे हैं, ये देखिए कितने सारे, ये कुर्सी में इतने रखे हैं। अभी इनको मैं फोल्ड करूँगी, मतलब अभी ये साड़ी मतलब अभी ये कपड़े इतने रखे फोल्ड करने के लिए पहले, कल और परसों के हैं ये, और वो उतने आज के हैं धुले। तो देख लीजिए इतने मुझे पूरे जो है फोल्ड करना पड़ेगा। अभी ये करेंगे फिर वो वाले करेंगे, दोनों करेंगे, इतना ज़्यादा काम होता है हम लोग के पास। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें पहले मैं इस रूम में रहती थी, पहले जब वो वाले मेरे रूम नहीं बने थे तो मैं इसी रूम में रहती थी। कितना छोटा सा रूम है मेरा। लाइट पड़ रही है आँखों में, 5 बज गए और अभी स्वेटर नहीं पहनी हूँ क्योंकि ठंडी भी लग रही है। तो अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि गीले हैं, मतलब ये साड़ी है गीली तो और ठंडी लगेगी। तो अभी कपड़े चेंज करके मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, मतलब 7-8 बजे होंगे। और आज मुझे खाना भी नहीं बनाना था, मतलब खिचड़ी डालनी थी, तो फिर कोई ज़्यादा काम तो किचन में होता नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चावल साफ़ करना है तो लाओ मैं वही साफ़ कर लें। फिर मैंने पंखा लगा के सोचा इसे साफ़ कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और ये देखो मैं मतलब साफ़ करने में लगी हुई थी चावल, और ये ना मस्ती करने में लगा हुआ था, कितनी शैतानियाँ कर रहा था आप लोग देखिएगा। ये मैंने फास्ट में लगा दिया, नहीं तो आप लोग देखते सही से। और ये हाँ, जब जब से मैं ये चावल साफ़ करने लगी थी तभी से ये बैठा था, क्योंकि इसको फ़ोन चाहिए था। ये सोच रहा था कि कितनी जल्दी इनका वीडियो बने और कितनी जल्दी मैं मतलब फ़ोन ले लूँ। तो वही जब ये बैठ के ना अपनी एक्टिंग भी करता जा रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि मुझे फ़ोन मिले। और इसमें फ़ोन में जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ अधिकतर, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग के समय इसमें ऐसा होता है कि सरसराहट की आवाज़ आती है, तो
वो सिर्फ स्पीकर ख़राब होने की वजह से ही सरसराहट की आवाज़ आती है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। बना लिए हैं तो इसमें चावल बन गए हैं और रख दिए हैं। और अभी जाना है मुझे, ये आटा भरना है इसमें, अभी मुझे आटा भरना है ये वाला इसमें, और इसी समय आटा भर लेती हूँ फिर और काम करेंगे। तो अभी मैंने आटा जो है टंकी में भर दिया है, क्योंकि बोरी में रहता है तो फिर सही नहीं रहता, चूहे वूहे आते जाते रहते हैं, तुरंत ही भर देते हैं, तो वही मैंने आटा भर दिया है और उनको रख दिया है अपनी जगह, सही जगह पे। तो मैंने आधे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिया है, जो अभी वहाँ कुर्सी पे थे नहीं बाहर 2 दिन के, वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और अभी ये मैं थोड़े से बचे हैं वो मैं कर रही हूँ फोल्ड, क्योंकि अब छत पर से लाई थी उतार के तो तुरंत कर देते हैं तो सही रहता है, आप लोग को पता है। और ये देख रही हूँ इधर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और उधर जो है वो गिर रहे हैं, क्योंकि जब ऊँचाई से रख देते हैं तो वो गिरेंगे ही, और मैं एक के ऊपर एक रखती जा रही थी तो वो तो गिरेंगे ही। और जो है रात में जब मुझे समय मिलता है तब मैं कपड़े ज़रूर फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो चूहे इधर उधर खा जाएंगे कपड़े। आप लोग को पता है कि चूहे जो हैं किसी के घर से ऐसा नहीं कि वो सभी के घर पे रहते हैं, कोई सोचे कि मेरे घर पे नहीं रहते, रहते सभी के घर पे हैं। और चूहे किसी के रिश्तेदार भी नहीं हैं कि किसी के सगे खास हैं तो उनके यहाँ कपड़े उनके ना काटे या कोई चीज़ का नुकसान ना करें, सबका नुकसान करते हैं। और जो है अब ऐसे भी फैले पड़े हुए हैं कपड़े, तो उनको सही जगह पे रख दो, वही सही रहता है। और जो है जो अभी जो ये वाले कुर्सी पे जो पड़े हैं ये गीले हैं, इतने मैंने हटा दिए थे, जितने गीले हैं इनको सुबह मैं धूप में डालूंगी। और इधर मेरे बैठे हुए हैं मिट्टू, मिट्टू के पास जब कैमरा ले जाती हूँ तो वो जो है बहुत डर जाते हैं, तो उनके पास बहुत कम ही कैमरा ले जाती हूँ क्योंकि डरते हैं। आप डरने लगे, पहले नहीं डरते थे कभी भी। और यहाँ भैया की एक्टिंग सुनिए आप लोग, ये लोग पता नहीं कौन सा रिहर्सल कर रहे थे, बोला था कि बाजार से लेकर आओ वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कर रहे, और तू लाया नहीं, पहले मेरा बाजार से सामान लेकर आ तब तू किडनैप होना, पहले लेकर आने तो मैं घर पे आके तेरी चटनी बना दूंगी। रो हेलो करो। तो अभी है मॉर्निंग का समय, सुबह हो गई है और मैं चाय वाय पी चुकी हूँ, क्योंकि सुबह उठ के पहले चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, झाड़ू लगा लेंगे और ज़्यादा तो झाड़ू अभी लगा लेते हैं सुबह सुबह, तो और मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। और आप लोग एक चीज़ और देखिएगा कि अभी मैं वीडियो को इतना फास्ट में लगा दूंगी कि आप लोग ये भी सोचेंगे कि इतनी जल्दी हम लोग भी कर सकते हैं क्या काम, अगर हम लोग कर सकते होते तो हम लोग का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। तो आप लोग देखिए मैं कितनी फास्ट काम करती हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू लगाने के बाद जो है नहा लिया है, नहाने के बाद डायरेक्ट आ चुकी हूँ किचन में और अभी बना रही हूँ सब्जी। सब्जी जो है आलू और फूलगोभी की है, ये बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है ब्लॉग को एंड भी करना है। और ये वाला ब्लॉग कल शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक का है, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।